रावण के पास में कितने धन की कमी थी, कितनी थी कम? लंका ही सोने की, जिसकी सोने की लंका। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके घर सोने जवाहरात और हीरे इत्यादि के नहीं बने। उसमें वातानुकूल ये सब चीजें जब इंद्रही पंखा और हवा दे रहे हैं, जबकि बादल उनके घर धो रहे हैं, उसका धूप साथी देता, हवा झाड़ू लगा रहे हैं। अभी जो सबसे महंगी से महंगी शराब उसमें रावण के घर में होगी कि नहीं, जब हनुमान जी गए तो देखा जी सभी उसमें किस चीज की कमी थी जो मनुष्य जीवन में हम लोग समझते हैं ये चीज की कमी है, उसको कोई कमी चलने के लिए पुस्तक विमान मन की गति से भी अधिक चल दूंगा। रावण की उम्र कितनी थी? त्रेता जी कहलाता है कितने का? 432,000 वर्ष कलयुग, इसका डबल हो गया और इसका तिगुना हो गया और इतने ही संधि के वर्ष सिंधु का 12 केदारनाथ के दिन से हो गया है, हो गया ना। अच्छा वो त्रेता जी के प्रारंभ से उठा तो कितना करोड़ उसकी उम्र हो गई? प्रारंभ, हाँ एकदम प्रारंभ, सतयुग के प्रारंभ। जय विजय हिरण्य हिरण्य कष्ट हुए, इसके बाद में त्रेता युग जब आया तो इसका जन्म प्रारंभ। कितनी लंबी आई और त्रेता युग के अंत तक रावण से भीड़ रहा, रामचंद्र जी से भीड़ रहा है और कितना सब कुछ जानता है, माया जानता है, बल भी है, विद्या तेज का सब सब कुछ वो जानता है, ब्रह्म तत्व जानता है, वेदांत पर अपना विचार लिखा है, लंका अवतार सूत्र उसके हैं, हर दिग्गज विद्वान और अद्वैतवादी था। हम ब्रह्मास्मि कहने वाला, इसे तो हम ब्रह्मास्मि सब क्या सर्वम खोलिदम ब्रह्म इसको मानने वाला। कल्पना कीजिए जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसको उपलब्ध नहीं है, तभी सुखी रहा है। जब वो नहीं सुखा तो इसके लिए हम चेष्टा क्यों करें, करा जाएगा ना। इसको लाखों स्त्रियां जिसके काम को दमन नहीं कर सकी, सीता के लिए चला और वही सीता उसके जानकार ये बन गई, रात बन गई, इसके लिए मारा गया। जीवन में इस जीवन में इन चीजों से कोई भी संतुष्ट और सुखी नहीं हो सकता है, हम उसके लिए चेष्टा करते हैं, ये चीज की कमी है इसको करते हैं, त्याग भजन करते हैं तो भी, क्योंकि अनर्थ है। भक्त लोग इसके लिए वो देखते हैं हमारा, हम कृष्ण के दास हैं, उनको छोड़ करके आए हैं, ये चीज को कैसे पूरा है। और उसके लिए जब परस्पर मत नहीं मिलता है तो लड़ाई झगड़ा हो, अपने बाप और बेटे में, स्त्री और पुरुष में, भाई और बहन, इसलिए वैष्णव लोग इसे अपनी तरह करके इस गोष्ठ में इन विचारों को ध्यान करें। संसार से कुछ विरक्ति होने तो भक्ति भी नहीं है, जितने परिमाण में भक्ति होगी उतने परिमाण में भगवत अनुभूति होगी और उतने ही परिमाण में यदि नहीं हो रही, हम खूब भजन कर रहे हैं और संसार में उतना ही अटैचमेंट आ सकती है तो क्या होगा? समझ भक्ति नहीं हो रही तो अगर क्या हो जाएगा? भक्ति अनुभव, भक्ति भक्ति पढ़े अनुभव विरक्ति अन्य क्या अर्थ है? भक्ति परेशान हो गया किसी भक्ति को लक्ष्मी लक्षण है, क्या है भक्ति परेशान हो विरक्ति अन्यत्र जितनी परिमाण में ये साधन भक्ति होगी, श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाठ सेवन अष्टांग बंधन
ये अथवा साधु संग नाम कीर्तन भागवत मन मुस्कुराभा श्री मुक्ति संभाग अथवा श्रवणम कीर्तन अथवा हरिनाम संकीर्तन एक ही तो यदि ठीक ठीक होगा तो भगवान की अनुभूति होगी। भगवत विषय में भगवान की अनुभूति क्या? भगवान के प्रेम की अनुभूति, सेवा की अनुभूति, उससे ममत्व बढ़ेगा, उससे ममत्व बढ़ेगी और उसमें आनंद होगा सॉरी आत्मा में, और उससे होगा क्या मन में भी आनंद होगा, उससे क्या उत्तरी और कभी कभी दीरा होगा, ये दोनों चीजों की अनुभूति होगी। तत्व ज्ञान की अनुभूति होगी, अपने तत्व की, भगवान के तत्व की, भक्ति का स्वरूप, इन सबकी अनुभूति होगी। और इनकी अनुभूति होने से क्या होगा, संसारिक वस्तुओं के प्रति विरक्ति है, इसके तरफ में मस्ती नहीं है। तीन चीजें एक साथ में हुई है, उपमा क्या दिया, भजन कर रहा है तीन लक्षण कर रहा है, तीन लक्षण से पता चलेगा क्या वर्णन गड़बड़ हो रहा है। भोजन करेगा ना, तो भोजन करने के साथ ही साथ में उसकी पुष्टि होगी, पुष्टि होगी और खाने की वृद्धि, खाएंगे पेट भर जाएगा और कुछ भी दो नहीं लेगा, खाएगा तो तृप्ति होगा, बहुत सुंदर आज रसाला बना, मलपुआ तो लाजवाब था, रबड़ी की तो कोई तुलना नहीं थी, बहुत सुंदर रसगुल्ला तो एकदम फन प्याज फन जैसा, चटनी बड़ी सुंदर बनी, फिर ऐसा साधन भी हुआ और साथ साथ आनंद होगा कि नहीं खाने से, और साथ साथ में क्या होगा, तो ये तो तुष्टि पुष्टि और विरक्ति, पेट भर जाएगा फिर और नहीं, इसलिए भक्ति कर रहे हैं आत्मा किसी की प्रसन्न नहीं, बड़ा दुखी कोई है तो समझो कि भक्ति कभी है। दूसरी बात, यदि भक्ति कर रहा है पेट नहीं भर रहा है अर्थात उससे कुछ तुष्टि नहीं हो रही है, हम क्या कर रहे हैं तो समझो कि भक्ति नहीं है, आत्मा प्रसन्न नहीं है, और संसार में इच्छा होती है जैसे हमारा ऑल टाइम बिल्डिंग हो जाए, हम सुखी हो जाएंगे, हमको ये चीज हो जाए संसार की, उनको ऐसा भक्ति साथ हूँ जैसे सभी लोगों को मोहित कर मोह बता, ये क्या चीज है, यही लोग कोई भी चीज भगवान की भक्ति का अतिरिक्त और किसी चीज नहीं, यही हम लोगों में कमी है, ये चीज हो जाए ना तो वो कुछ भी कर सकता है, उसको कोई संसार की क्रिया बांध नहीं सकता, और नहीं तो हम लोग उसी में जीवन चलाते, यह है। अगर प्रचारक बनता है तो महाराज जी ये कामना तो रहेगी, प्रचारक बनना नहीं पड़ता, भक्ति करने से अपने आप जब उसकी उपलब्धि हो गई तो उसे रहा मिल जाएगा, जब खाएंगे तो ठेकार आएगा कि नहीं आएगा, ठेकार ये ठेकार प्रचार है, प्रचार की बड़ी बात है, यही तो है, ठेकार तो आएगा अपने आप बिना ठेकार का रहेंगे, भजन करेगा उसकी जो क्रिया कुछ है तो वो तो बाहर में आएगी ही, वो जो रुक नहीं सकती, किसी के पास में पैसा शुभ है ना तो क्या होगा, उसकी मुट्ठी ऊपर रहेगी, कुछ चिकनाई रहेगी, थोड़ा सा शांत से चलेगा, होगा कि उसके पीछे दो चार आदमी दस आदमी घूमेंगे, ये पैसा का लक्षण है, तो भगवान का भक्ति का भी तो कुछ लक्षण होगा, अपने आप जो सुनता है गुरु जी से अपने आप पेड़ों के समान निकलेगा, अना यार ये है आज इसको कुछ है नहीं है, उधार लेकर के इधर उधर लेकर करके बोलता है और खुद भी पालन नहीं करता है, अनुभूति नहीं है उसकी, कोई बात सुन करके भी उसको विश्वास नहीं होगा, उसमें जो गुण है वही उनके शिष्य में है, भौतिक पदार्थ उनके लिए ही होता है, उनमें तीन चीजें नहीं होंगी, भक्ति परेशानी हो, एक आदमी दिन भर कृष्ण की लीलाओं का चिंतन कर रहा है, सब कुछ हो, अच्छा होगा।
इसका अंतिम परिणाम सोचेगा जगत का। जगत का अंतिम परिणाम क्या है? जो अभी दाइना जी का भी यही अंतर सर। आज तक देशों के शासनाध्यक्ष लोग इंग्लैंड हाँ, और क्या क्या कर दे रहे हैं, पुष्पांजलि दे रहे हैं उनके चलने। बदलाव पूरे बीजेपी में 24 घंटे उसका लाभ क्या होगा? उसके आदर्श को ग्रहण करेंगे लोग। आदर्श उसका क्या था? पति चौर के दूसरे के बाद पूरी और भगवत से कोई संबंध नहीं, अंत में दुखित जीवन। महाराज जैसे उसका काफी सोशल वर्क किया, तो समझते हैं काफी, जैसे गरीब लोगों की एज थी, इन लोगों का मदद किया ना उसने। गरीब लोगों का क्या मदद किया? क्या मदद किया मतलब वो उसे जीवन को सुखी कर सकेगी? मान ले कि किसी को 10,000 पाउंड दे दिया, क्या होगा? किसी को रोग हुआ तो उसको सहानुभूति जाकर के कर दी। मदर टेरेसा है, उसे जगत का क्या कल्याण है? कुष्ठवादी को थोड़ा सा कुछ उपशम किया और फिर दूसरे जन्म में ये मर जाएगी तब उससे अधिक होंगे, क्या हुआ क्या? एक आत्मा का कल्याण यदि कर दिया जाए तो इससे कोटि कोटि गुण जिसके जीवन में सुख और शांति। अब उसी पोस्ट के लिए उन लोगों में झगड़ा चल रहा है, विवाद चल रहा है, पैसा आप तो कर नहीं चाहे तो अब उसको पद पर बैठ करके और रुपया कमाएंगे या कुछ करेंगे, अब उसके लिए झगड़ा। वो कहते हम होंगे सिलेक्शन या क्या होगा सर, और उसके लिए विवाद झगड़ा भी से चल निर्मला। अरे सेवा भाव भगवान के प्रति लाओ तो अपने आप जगत के प्रति आ जाएगा, सब जगत का कल्याण सेवा भावना होगी। मूल के प्रति ही उपेक्षा रही तो फिर क्या होगा? तुम अपने बेटे के लिए क्या नहीं करती? करती है ना, इंसान तो किसी न किसी रूप में कर ही रहा है, क्या लाभ है? और वही बेटा तुम्हारा विरोधी हो जाता है, जिसके लिए तुमने सर्वस्व अपना खून अपना शरीर सब कुछ देकर के जीवन भर सेवा की और वो तुम्हारा विरोधी हो। बाहर का एक कुछ व्याधि है या दूसरा व्याधि है उसके प्रति सेवा कर रही, तुमको मिलेगा क्या? उसके कर्मों का जो फल है वो तुम्हारे अंदर में आकर के तुमको भी उसका भोग फल भोग कर आए। लेकिन तुम तो समझती नहीं है, है कुछ भगवान के भजन के बिना कभी भी लालसा कम नहीं होती। प्रतिष्ठा तो है ही, जिसको बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्ष लोग सलामी मारते हैं, ये प्रतिष्ठा तो है। भगवान से क्या संबंध है? यदि थोड़ा सा भगवान के साथ में संबंध होकर के ये करती तो उनका भी कल्याण होता, उसका भी। बात बुरी नहीं है, ठीक। भगवान के प्रति कर क्या रहे? एक जीवात्मा को किसी प्रकार से रोगी को ये कहती कि तुम गॉड का तुम स्मरण करो, कहीं देखा है राइटिंग में? अभी वो नहीं बचा, बस थोड़ा सा वैसा ही लौकिक। लाख लोगों की सेवा करने से भी यही होगा कि उसको परलोक में कुछ स्वर्ग इत्यादि जैसा धाम मिल करके फिर वहां से फिर आना। गीता में तो स्पष्ट रूप में कृष्ण से तम भुक्ता सर्वलोकम विशालम सीने पुण्य मत लोकम विषम एवं त्रय धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम। यदि थोड़ी सी उसमें सुधार हो जाता तो बेटा गांधी जी का जैसा तैसा सब समय राम नाम तो करते थे, उसी से फल जाते। यद्यपि उनके भगवान निर्गुण हैं, कभी राम 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 कहते थे वो तो एक लाइन में आए। भक्ति होने से अपने आप लोगों के प्रति प्रीति होगी, सहायता की भावना होगी,
का कल्याण की चिंता करें। अब जो भक्ति नहीं है तब वो बेकार, वो जीरो है। ये पढ़ाई का मतलब क्या, भगवान को छोड़ करके कोटि कोटि जन्मों से ये दुखी सुखी हो रहे हैं, ये तीर पढ़ाई है। ठीक है, ये तीर पढ़ाई जाने पर ये यही तो है, पर दुख दुखी सनातन सम प्रभु मात्र है। वो सम संसार के दुखी जीवों का ये जानते हैं कि दुख का मूल कारण क्या है, उसको खोज करते हैं। जैसे डॉक्टर है, आपको बलगम आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो इसके लिए दवा नहीं देगा। वो देखेगा कि ये बलगम किससे, ये क्यों तैयार हो रहा है, बीमारी का मूल क्या है, उसको देखेगा। हमारी जितनी बीमारियां हैं, जितनी इस संसार में कष्ट दुख है, उसका मूल क्या है, क्या है, भगवत विष्णु जी, यही भगवत विष्णु, भगवान को भूल जाना यही है। ये यदि ठीक हो जाए तो अपने आप सबको सदा के लिए ठीक है। असल में लोग जैसे डायना मर गई है, वहाँ पे लोग जाके आंसू बहा रहे हैं तो कहेंगे ये है परसों परसों के मर गए। असल में हम लाख लोग मर जल्दी जाकर चल रही है तो क्या होगा, इसलिए भागवत में ये सब उपाख्यान दिए। यदि एक आदमी जाकर के भगवान नाम वहाँ पर कर देता, कृष्ण उसके उद्देश्य से कर देता, गॉड गॉड भी कह देता, सभी कल्याण होता है। सहानुभूति कुछ देना चाहिए। कीर्तन वर्तन सुनाइए, बहुत बोलने से हमको ज्ञान विश्व के लिए नहीं, उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिखा, ये भारतवासियों के लिए इन्होंने कहा कि विश्व के समस्त प्राणियों के लिए अखंड विश्व ब्रह्मांड के लिए। इसलिए उनका कहने का मतलब है, उन्होंने मैं समझ रहा हूँ उनका मतलब समझ रहा हूँ, इसलिए उत्तर दे रहा। सच बोलो, ये केवल भागवत के लिए है, ये शरीर आत्मा नहीं है, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ, ये भागवत के लिए क्या उतार गया है, विश्व के लिए। भागवत में ही इस सत्य को कितने आदमी ग्रहण करते हैं, यदि गिना जाए अंगुलियों पर गिना जा सकता है, तो भागवत के लोग नहीं लेते। तो विश्व में चारों तरफ में फैल गया है, एक न एक दिन तो जाने ही। हाँ, इसलिए तो भगवान प्रचार करा करके विश्व को बतला रहे हैं हम लोगों के द्वारा। अब तो ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है, देश नहीं है, गांव नहीं है, शहर नहीं है जो गीता को कृष्ण को नहीं जानते। पहले से भी बहुत फेमस है, पहले से हर भाषा में। तब उसमें प्रतिष्ठित नहीं, गीता को कोट ही करते हैं, कर्मण्येवाधि कारस्य मा फलेषु कदाचित्। और विश्वनाथ चक्रधरपाजी ने कहा ये बात तो तब की जाए जब भक्ति नहीं करते। तो उन्होंने इस श्लोक को आउट राइट एकदम सारे गीता को महापुरुष ने कहा, ये होगा इतना बड़ा ज्ञान। और महापुरुष जी ने कहा ये बाज्य प्रेम के सामने इसका कोई मिलने नहीं। गीता के ज्ञान से क्या होगा, एक प्लेटफॉर्म बन जिस पर प्रेम का माहौल खड़ा होगा। गीता का ज्ञान हम लोग भी ऐसे पाए इसका स्पष्ट रूप में बतलाएगा। सर्व उपनिषद हो गाओ, उपनिषद जितने हैं ये गाय है। उसका दूध गायों का दूध एक चीज है, और एक है निगम कल्प स्वरूप। निगम कल्प स्वरूप क्या, केवल वेद ही नहीं, वेद का उपनिषद ही नहीं, सारा वेद पुराण मिला के, पुराण इत्यादि मिला करके, महाभारत इत्यादि सबका ये क्या है, गुठली और ये सब रहित, चिंता रहित, यह
उसे ये श्रेष्ठ है। गीता भी निकला है, उनके मुख से निकला है, और भागवत कहाँ से निकला? ये पश्चिम व्यास जी के विवेक उत्थान का महत्व बहुत है। इसमें प्रेम की बात है, इसलिए गीता की अपेक्षा, ज्ञान की अपेक्षा, जगत के लोगों को यही पहले जरूरत है। सिद्धि ने पार्वती को भागवत सुनाया, वो पहले आया था, ये व्यास जी और पहले ऐसा है। जैसे ये सब नित्य चीजें हैं, नित्य की गीता भी आज की नहीं है, कितने करोड़ वर्ष सूर्य को, और उस सूर्य से पहले फिर अर्जुन को सुनाया होगा। अरे तो भगवान के अवतार, आज आपने एक बार बताया था ना कि जैसे कुछ ना कुछ उन्होंने बीच में अपना ऐड करते रहे, उसमें लिखा हुआ। अब जैसे मैं भागवत की व्याख्या करता हूँ, कुछ उसमें और चीजें लगाता हूँ, तो ऐसे ही होगा। किंतु ऐसे होता है जैसे कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन और कृष्ण का संवाद गीता कहलाता है ना, तो पहले लिखा गया दिव प्राप्त उबाच, क्या है वो धर्म क्षेत्र इसके बाद में संजय का, अब संजय ने आरंभ किया, अब वहाँ से लेकर के करीब करीब 30-35 या कितने श्लोक हैं, वो कह रहे हैं। अच्छा, वो अब संजय जी कह रहे हैं, जैसे ये तो दुर्योधन जा करके अपने गुरु से ऐसा कहा, भीम के अधिनायक में सारी सेनाएं बड़ी सबल रूप में वहां पर खड़ी हैं और पर्याप्त है, हमारी सेनाएं कुछ हैं भी किंतु उतनी सुरक्षित नहीं। इसके बाद में वो गया भीष्म पितामह के पास, उनसे कुछ बोला, ये तो कृष्ण का उपदेश नहीं है। अब इसके बाद में अर्जुन जब भी गांधी को छोड़ करके रथ पर रख दिया और सुस्त मुख होकर के जब बैठ गए और कृष्ण से कहा कि मैं आपका शिष्य, उसको समझ में नहीं आता है मैं युद्ध करूं कि क्या करूं मुझे। अब यहाँ से कृष्ण उबाते हैं, यहाँ से भागवत गीता है, पहले वाला क्या है, पहले कृष्ण के मुख से नहीं निकला। तो इसके लिए बात ला रहे हैं, जैसे नमक है ना, नमक में कोई चीज एक डाल दो, चावल का टुकड़ा या फिर और दे दो, कोई भी चीज दे दो, तो गल करके नमक हो गया, तो भी तो नमकीन लगेगा ना। नमक के समुद्र में कोई भी चीज डाल दो तो गल करके गुजन में क्या होगा, तो भी समुद्र का अंग हो गया। तो इस तरह से ही कृष्ण के मुख से जो भागवत गीता निकली है, उसमें भिष्टास उबास, दुर्योधन उबास, भीति उबास इत्यादि भी समुद्र में कृष्ण के बाणी अंगी करके उन्हीं के बाणी में घुल मिल करके एक हो गए, इसलिए वो भी गीता है। ऐसे श्रीमद महाभागवत क्या श्रीमद भागवत है, व्यास जी जीव कर रहे हैं या सुखदेव गोस्वामी, ये तो भागवत है, किंतु उसके पहले जो और जो संवाद है वो भी उसमें मिल करके